देखो जी, जून 2015 में मैं गया लद्दाख। मैं और दीप्ति के लद्दाख बाइक यात्रा पे। हमारे साथ थी बाइक बजाज की डिस्कवर 150 सीसी, और जयपुर से देवेंद्र कोठारी साहब भी हमारे साथ थे। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम दिल्ली से चल के जम्मू पहुँचे, जम्मू से चल के पहुँचे पटनी टॉप। तो पटनी टॉप और बटोट के बीच में हमने एक रूम ले लिया, और आज यानी कि 9 जून 2015 को हम निकल पड़े पटनी टॉप से आगे। अब हमारे पास देखो दो रास्ते थे, या तो हम सीधे रामबन होते हुए श्रीनगर चले जाएं, या फिर हम किश्तवाड़ होते हुए श्रीनगर जाएं। रामबन होते हुए श्रीनगर है 170-180 किलोमीटर, और पटनी टॉप से किश्तवाड़ होते हुए श्रीनगर है 320-330, यानी कि 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। लेकिन भाई हमें कुछ नया देखना था, किसी नए रास्ते को एक्सप्लोर करना था। तो अब भाई मेन रास्ते सभी जाते हैं, मेन रास्ते से तो मैं पहले कई बार जा चुका था, आ भी चुका था, तो इसलिए फिर किश्तवाड़ की तरफ हम चल पड़े। पटनी टॉप से 10 किलोमीटर आगे एक जगह आती है बटोट, बटोट से एक रोड सीधी चली जाती है श्रीनगर की तरफ, एक चली जाती है किश्तवाड़ की तरफ। बटोट से किश्तवाड़ है 100-110 किलोमीटर। पूरा रास्ता चिनाब नदी के साथ साथ है, और वहीं पे चिनाब नदी पे एक डैम बना हुआ है, उसे बोलते हैं बगलिहार डैम। चिनाब नदी पे आपने भी नाम सुना होगा, काफ़ी विवादित डैम रहा। विवादित इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उसका विरोध करता है। चिनाब नदी आगे पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान बोलता है जी हमारा पानी उसने रोक लिया बगलिहार ने। ये जो कुछ फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो ये बगलिहार डैम का फ़ोटो है, चिनाब नदी में बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और बटोट से कुछ दूरियाँ लिखी हुई हैं, ये देखो जी ये दूरियाँ लिखी हुई है, मेन रोड की दूरियाँ हैं पटनी टॉप से श्रीनगर 171 किलोमीटर। पटनी टॉप से नहीं, बटोट से हैं दूरियाँ। ये जो सामने जो कस्बा दिखाई दे रहा है ये बटोट कस्बा है, और श्रीनगर 171 किलोमीटर, काजीगुंड 113, बनिहाल 56, रामबन 28, और बगलिहार डैम है 18 किलोमीटर। और यहीं से एक रोड राइट में मुड़ जाती है बटोट से, उसकी डिस्टेंस कुछ है डोडा 56 किलोमीटर, भद्रवा 80 किलोमीटर। डोडा से एक रोड सीधे किश्तवाड़ चली जाती है, एक रोड ऐसे मुड़ के भद्रवा चली जाती है, फिर किश्तवाड़ 110 किलोमीटर, पद्दर 170 किलोमीटर, और माता मचैल 212 किलोमीटर। तो माता मचैल है बड़ी फेमस है, यहाँ से बटोट से 200 किलोमीटर किश्तवाड़ ज़िले में पड़ती है, बड़ा फेमस है, और मानसून में वहाँ पे कुछ मेला वगैरह भी लगता है। और मचैल से आप ट्रैकिंग करके कुछ कंगला या फिर एक दो पास पड़ते हैं, वहाँ से ट्रैकिंग करके आप जांसकर पहुँच सकते हो। किश्तवाड़ से वही वाली रोड सीधे पद्दर होते हुए सीधे वहाँ चली जाएगी हिमाचल में पांगी और केलोंग। केलोंग से फिर से आप चाहो तो रोहतांग पार करके कुल्लू जा सकते हो, या फिर बारलाचा पार करके लद्दाख जा सकते हो। तो भाई हम मुड़ गए फिर इधर किश्तवाड़ की तरफ। किश्तवाड़ से पूरा रास्ता चिनाब नदी के साथ साथ है। ये हमारी बाइक है, और इसने ना बड़ी मतलब सामान तो हमने बांध लिया था, लेकिन इसने बड़ा परेशान किया। ये जो रस्सियाँ थी ना, ये रस्सियाँ बहुत अच्छी होती हैं बाइक पर सामान बांधने के लिए, सिंपल रस्सी की बजाय ये वाली रस्सी बहुत अच्छी होती है। तो इन्हीं रस्सियों की वजह से हमारा सामान टिका रहा, नहीं तो भाई हम पागल हो जाते बिल्कुल। शुरू के 2-3 दिन तक तो हम पागल रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें बांधना आ गया, धीरे धीरे सामान बांधने में स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर सामान बंधने लगा अच्छी तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ो, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते रहो भाई, नज़ारे देखते रहो, और ये बगलिहार डैम, चिनाब नदी बहुत दूर दूर तो दूर तक हमें दिखते रहते हैं। इस फोटो में दिखाई दे रहा है सामने डोडा सिटी। अब देखो डोडा का ऐसा मामला है, डोडा और किश्तवाड़ ये दोनों जम्मू रीजन में आते हैं, लेकिन कश्मीर में जब मिलिटेंसी थी तो उन्होंने बोला कि जी जम्मू रीजन के 3 जिले पुंछ, डोडा और किश्तवाड़, ये 3 जिलों को कश्मीर में शामिल करो। तो उन्होंने बहुत जोर लगाए, लेकिन नहीं हो पाए, चलो अच्छी बात है। तो आज की डेट में डोडा बिल्कुल एकदम शांत, एक टाइम यहाँ पे डोडा और किश्तवाड़ में भी बहुत मिलिटेंसी हुआ करती थी, तो आज की डेट में एकदम शांत है बिल्कुल, बहुत अच्छा एरिया है। ये सामने चिनाब नदी पे दिखाई दे रहा है डोडा पुल। पुल को पार करके अगर चले जाएंगे तो डोडा सिटी में पहुँच जाएंगे, पुल को पार नहीं करेंगे चिनाब नदी के साथ साथ चलते रहेंगे तो किश्तवाड़ पहुँच जाएंगे। यहाँ से ये डोडा पुल है, और यहाँ से देखो भद्रवा 30 किलोमीटर है, और भालरा 27, चिंता 34, जयघाटी 47, बनी 109, बसोली 195। ये चिनाब नदी, अब देखो जी हम
किश्तवाड़ पहुंचने वाले हैं, यानी कि 110 किलोमीटर आ चुके हैं बटोट से। यहां से डिस्टेंस लिखी हुई है श्रीनगर 211 किलोमीटर, अनंतनाग 158 किलोमीटर, सिंथन टॉप 86 किलोमीटर, चिनगाम 44 किलोमीटर। ठीक है, सीधे जाओगे तो ये डिस्टेंस पड़ेगी, राइट मुड़ जाओगे तो किलाड़ 121, किलाड़ हिमाचल में आता पांगी वैली में, संसारी 105, गुलाबगढ़ 68 और गलार 35 किलोमीटर। तो हम देखो किलाड़ हिमाचल की तरफ तो नहीं जाएंगे यहाँ से, यहाँ से हम सिंथन टॉप की तरफ चलेंगे, और हम सिंथन टॉप को देखने के लिए ही किश्तवाड़ ज़िले में आए थे। किश्तवाड़ बहुत अच्छा मार्केट है, रहने खाने की कोई समस्या नहीं है, रहने के लिए देखो बेसिक ही मिलते हैं, है ना, क्योंकि कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं किश्तवाड़, तो जो भी जाते हैं लोकल लोग ही जाते हैं, या फिर माता मचैल वाले तीर्थयात्री चले जाते हैं साल में कभी कभार, तो ऐसे बहुत हाई फाई टाइप के होटल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बेसिक होटल गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, राजमा चावल वहाँ का बड़ा फेमस है। अब किश्तवाड़ में देखो एक कहानी हो गई, कहानी कुछ ऐसी हुई, हमने पूछ लिया होटल वाले से कि भाई ये जो श्रीनगर वाली जो रोड है सिंथन टॉप वाली, ये खुली है क्या, क्योंकि उसकी हाइट है 3800 मीटर, रोहतांग हमारा 3900 मीटर पे है, सिंथन टॉप भी पीर पंजाल की सीरीज में है, रोहतांग भी पीर पंजाल में है, रोहतांग हमारा आजकल में ही खुला है, तो अब रोहतांग को खोलने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो सीधे लेह वाला रास्ता है ना, सिंथन की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हो सकता है सिंथन अभी तक ना खुला हो। तो हमने पूछा होटल वाले से भाई सिंथन टॉप खुला है क्या, उसने कहा जी नहीं खुला। अब भाई हमारे तो होश उड़ गए, हम बटोट से 100 किलोमीटर आके पूछ रहे हैं जी आगे का रास्ता खुला है क्या, क्या करें भाई क्या करें, वापस जाना पड़ेगा, अगर सिंथन टॉप नहीं खुला होगा तो वापस बटोट जाना पड़ेगा, यार ये तो गलत बात हो जाएगी, और अगर हम हिमाचल जाते हैं तो हिमाचल में फिर बारला चला बंद है, फिर भी हम वहाँ से उधर से भी हम लद्दाख नहीं जा सकेंगे, क्या करना चाहिए, कुंजम बंद है, कुंजम से फिर हम स्पीति नहीं जा सकेंगे, क्या करें यार क्या करें। तो फिर एक टैक्सी वाले से हमने पूछ लिया, भाई सिंथन टॉप खुला है क्या, उसने कहा जी हाँ खुला है, और हम तो खुश हो गए, तुझे कैसे पता यार खुला है, वो तो होटल वाले तो बता रहा है कि जी आज ही एक टैक्सी आई है, मेरा दोस्त लेकर आया उधर से। ओ भाई नमस्ते करी हमने उसे, और बड़ा बड़ा थैंक यू बोला, नहीं तो हम तो होटल वाले के चक्कर में आके वापस बटोट चले जाते 100 किलोमीटर। खैर किश्तवाड़ से चले हम दोपहर को, चिनाब नदी पार करी, चलते रहे, सड़क कुछ दूर तक अच्छी थी, कुछ दूर फिर ख़राब हो गई, और फिर नज़ारों का आनंद लेते हुए 2000 मीटर की हाइट पे चिनगाम पहुंच गए। चिनगाम से 1-2 किलोमीटर आगे अगला गांव है पारना, तो चिनगाम की डिस्टेंस बहुत दूर से लिखी हुई आ रही थी, हमें लगा कि चिनगाम में कोई ना कोई होटल गेस्ट हाउस मिल जाएगा, कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, बस ऐसे चिनगाम में एंट्री करी और बाहर निकल गए, छोटा सा गांव एकदम, 2-3 दुकान में, बस कुछ भी नहीं यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं यार, क्या करें। हमने सोचा कि चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर अपना टेंट लगा लेंगे, भाई चिनगाम में कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। तो चिनगाम से 2 किलोमीटर आगे एक गाँव है पारना में पुलिस का बैरियर है, वहाँ पर वो कुछ एंट्री वगैरह करते हैं आने जाने वालों की, बैरियर के बगल में एक मंदिर है। अब हमने देख लिया, पुलिस वालों से बात कर ली कोठारी साहब ने कि जी आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, पुलिस वाले खुश हो गए भाई रुक जाओ। तो फिर हम पारना के मंदिर में रुके, वहाँ के लोगों से बातचीत करी, पुजारी से बातचीत करी, तो वहीं पे ऐसा हुआ कि मंदिर के पास ही हमने टेंट लगा लिया, मंदिर की बिल्डिंग के अंदर ही छत के नीचे टेंट लगा लिया, और आप मंदिर में भी रुक सकते थे, पुजारी ने तो बहुत बोला कि भाई टेंट मत लगाओ, हमारे हॉल में आ जाओ, और कपड़ों की और राशन की और पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब इस्तेमाल करो। उन्होंने अपना पूरा भंडार खोल के दिखा दिया, देखो ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ, आगे आ जाओ, ये कंबल है, ये रजाइयाँ हैं, आ जाओ जी कोई ठंड नहीं लगेगी। खैर फिर भी हमने टेंट लगा लिया और कंबल वगैरह उनसे ले लिए। तो अब देखो खाना भी हमारा पुलिस वालों ने बना दिया, है ना, वो पुलिस वाले बनाते थे, पुलिस वाले वहीं मंदिर में रहते थे, वो अपने लिए खाना बनाते थे, एक आध रोटी उन्होंने हमारे लिए बना दी। तो इस तरह से हमारा आज का दिन कटा और बहुत अच्छा लगा। चिनगाम और पारना की कहानी कुछ ऐसी है कि मिलिटेंसी के दौर में आतंकवादी जो थे वो किश्तवाड़ और डोडा को अपने कश्मीर में शामिल करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, तो अब वो सिंथन पास पार करके इधर आ जाया करते थे हथियार वगैरह लेके, जिससे कि डोडा किश्तवाड़ में भी मिलिटेंसी बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत आतंक मचाया, बहुत मंदिर की मूर्तियाँ वगैरह उठा के चिनाब नदी में फेंक दी, तो मंदिर को भी नुकसान पहुँचाया। तो ये सब कहानियाँ वहाँ पे
बताई हमें पुजारी साहब ने। शाम को मंदिर में वो आरती बज रही, देवी के भजन बज रहे, और कभी बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि कुछ ही साल पहले यहाँ इतनी बड़ी मिलिटेंसी थी। तो बढ़िया माहौल था वहाँ का, मैं तो फिर भी दोबारा जाना चाहूँगा पारना। तो चलो, पारना की हाइट 2000 मीटर, और हमें वहाँ पर ठीक ठाक मौसम मिला, अच्छी ठंडक मिली। तो अब हम उस एरिया में थे जिस एरिया में बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। तो जो हमने मैप बनाया था लद्दाख जाने का, अभी हम लद्दाख नहीं पहुँचे हैं, अभी हम कश्मीर भी नहीं पहुँचे, अभी हम जम्मू में ही हैं, जम्मू रीजन में ही हैं। तो जो हमने मैप बनाया था, शुरू में इरादा था मुगल रोड से जाने का, बाद में इरादा बदल गया था, हम सिंथन टॉप से जाने लगे। कहाँ मुगल रोड, कहाँ सिंथन टॉप, एरियल डिस्टेंस भी कम से कम 200 किलोमीटर, 150 तो होगी होगी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। और भद्रवाह की बात आई थी, डोडा के पास एक भद्रवाह जगह है, भद्रवाह के पास एक कैलाश है, कैलाश कुंड करके, उसकी भी यात्रा होती है सावन के महीने में, सावन भादवों में। तो पैदल का ट्रैक है, आप जा सकते हो कभी भी। पठानकोट की तरफ से जाओ कठुआ, कठुआ से बछौली बनी, और सीधे आप उधर पहुँच जाओ कैलाश, कैलाश से फिर भद्रवाह, भद्रवाह तो बढ़िया जगह है देखने घूमने लायक है। ठीक है, आज की हम वीडियो को इसे यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और अभी आप गूगल में आप सर्च करना कैलाश कुंड जम्मू कश्मीर भद्रवाह, तो भद्रवाह आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, बहुत प्यारी जगह। मैं नहीं गया हूँ कभी भी, लेकिन मैंने फ़ोटो वगैरह देखे हैं, उसको देखे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रैवलॉग वगैरह सुने हैं, तो मेरी जाने की बड़ी इच्छा है, देखते कब इच्छा पूरी होती है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सिंथन टॉप पार कराएंगे और फिर कश्मीर वैली में लेके चलेंगे। ठीक है, बाय बाय, राम राम।